इनको ठुड्डे लगेंगे, जूते पड़ेंगे इंशाल्लाह, डंडे पड़ेंगे इंशाल्लाह, और इनकी वो जिल्लत होगी, मैं अपनी आंखों से इनका अंजाम देख रहा हूं कि तारीख में याद रहेगा ये एक सिया बाप के तौर पर। और मैं एक बात, मीडिया की वसातत से पूरी कौम को खुशगवार वाक्य पेश आया जो मनाजिर आप देख सकते हैं। मियां नवाज शरीफ को किसी शख्स ने जूता दे मारा, खिताब से पहले ये नाखुशगवार वाक्य पेश आया। मियां नवाज शरीफ खिताब के लिए आया और किसी नामालूम शख्स ने उन्हें जूता दे मारा। जी बिल्कुल, जब खिताब के लिए पहुंचे तो उस वक्त उनके ऊपर जूता फेंका गया, जूता मारा गया और फौरी तौर पर उस शख्स को वहां से लेके बाहर लेके जाया गया है। लेकिन साथ ही मियां नवाज शरीफ ने फौरन अपना जो है वो खिताब भी शुरू कर दिया और वहां पर उन्होंने अपने हिस्ट्री, जिस तरह से उनका ताल्लुक है जामिया नईमिया से और वहां पर जो मौजूद हैं तमाम उलमा इकराम, उनसे जितना उनके साथ ताल्लुक है, ये जूता फेंका गया। नाखुशगवार वाकया पेश आया है जब मियां नवाज शरीफ पहुंचे जामिया नईमिया और खिताब करने से पहले उनके ऊपर जूता फेंका गया इस शख्स की जानिब से, जो कि देखा भी जा सकता है कि फौरी उसको साइड पर कर दिया गया है और उसने कोई नारा भी लगाया और फौरी तौर पर उसको साइड पर कर दिया गया। ये मनाजर आप देख सकते हैं कुछ देर पहले के, जब मियां नवाज शरीफ जामिया नईमिया पहुंचे खिताब के लिए, खिताब से पहले ही मियां नवाज शरीफ पर नामालूम शख्स ने जूता दे मारा, जिस इस शख्स को आप फुटेज में भी देख सकते हैं और बहुत करीब पहुंच गया ये मियां नवाज शरीफ के जब इसे यहां से ले जाया गया।